तीसरा करते हैं अब, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, अगर बात आ जाए इस तरीके से कि जिसका बी समकोण है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे और उस त्रिभुज में जो समकोण की बात आती है उसको लिखते हैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, ये समकोण माना जाता है यानी कि 90 डिग्री का, तो बी समकोण है। इसके बाद में आप चाहें इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए बी 24 है, ए बी यहाँ पर 24 है और बी सी 7 है। बी सी कितना है, बी सी ये सी मानना पड़ेगा, 7 है, बी सी 7 है। तो साइन ए कोस ए का मान बताना है, साइन सी कोस सी का मान बताना है, ठीक है। यानी कि एक बार ए को आपको टारगेट करना है और एक बार सी को टारगेट करना है, दोनों में क्या चेंजिंग होने वाली है इस क्वेश्चन से समझेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है 8.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका कर्ण निकालना पड़ेगा, यानी कि हाइपोटेन्यूस निकालनी पड़ेगी ए बी सी। तो कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर कर्ण हमें पता नहीं है, कर्ण हमें निकालना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना, आधार कितना है आपका 24, 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 7, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 दुनिया 8 दुनिया 16 और 1 6 17 हाथ से लगे, 3 2 दुनिया 4 और 1 576 प्लस इसका कितना होगा 49। अगर 49 को और 576 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 625, और अगर आप कर्ण निकालेंगे तो आएगा यहाँ पर अंडर रूट 625, ठीक। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 625 का अंडर रूट कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है 25। तो इस तरीके से जो इसका कर्ण है, हाइपरटूनियस है, वो दोस्तों निकल के आ गया बच्चों 25, ठीक। अब इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, सिंपल तरीका है, आपको वैल्यू अगर निकालनी है साइन ए की, तो साइन ए में क्या होता है, साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ए का मतलब हो गया जो एंगल दे रखा है ए, उसके सामने वाला हमेशा लंब मानिए। तो अगर ए की बात कर रहा है तो ये 7 लंब होगा, आधार 24 होगा, कर्ण हमेशा वही रहता है जो होता है। तो अगर साइन ए की बात कर रहा है तो लंब यहाँ पर सिंपल वैल्यू दे रखी है, लंब दे रखा है यहाँ पर 7 बटे कर्ण है आपका 25। अगर कोस ए की बात करें कि कोस ए कितना होगा, तो कोस में होता है आधार बटे कर्ण, आधार है यहाँ पर 24 और कर्ण कितना है यहाँ पर 25, ठीक। इसी तरीके से जो सेकंड वाला पॉइंट है, बस उसमें चेंजिंग क्या है, आपको साइन सी की वैल्यू बतानी है और कोस सी की वैल्यू बतानी है। तो साइन में फॉर्मूला तो वही होगा लंब बटे कर्ण, और कोस में भी आपका क्या होगा फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण। बट यहाँ पर चेंजिंग क्या होने वाली है, आपको कहा है सी, तो सी मतलब ये वाला ऊपर वाला, और इसके सामने वाला जो जो कोण की बात होती है उसके सामने वाला हो जाता है लंब। तो लंब कितना हो गया 24, लंब कितना हो गया आपके सामने यहाँ पर 24 हो गया लंब यहाँ पर, तो आप लिखोगे 24 बटे 25। ऐसे आधार कितना हो जाएगा वहाँ पर, चेंज हो जाएगा 7 बटे 25। अगर ये दोनों चीज़ें चेंज होती हैं, सिंपल बात है कि अगर ए की बात करेंगे तो ये लंब होगा, सी की बात करेंगे तो ये लंब होगा, अब अगर ये लंब होगा तो ये आधार होगा। अगर आपके एंगल चेंज होते हैं तो लंब और आधार की पोजीशन चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल के सामने वाला लंब माना जाता है, दैट इज़ फाइनल। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है दोस्तों, आगे देखेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर चौथा। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये चौथा वाला, चौथे नंबर के क्वेश्चन में दे रखी है आकृति आपको, उस आकृति के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। आकृति में देखिए सबसे पहले क्या दिखा रखा है, चित्र दे रखा है इन्होंने, टेन पी माइनस कोटार निकालना है। टेन पी मतलब एक बार इसको टारगेट करना है और कोटार एक बार इसको टारगेट करना है। इस चित्र में अगर बात करी जाए, चौथे वाले चित्र में अगर बात करी जाए क्वेश्चन नंबर फोर में, ये लंब है, ये कर्ण है और आधार हमें निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक, प्लस लंब का स्क्वायर, किसका, लंब का स्क्वायर, डन। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, कर्ण तो आपको पहले से दे रखा है 13 का स्क्वायर, आपको आधार निकालना है, क्या करना है आपने, आधार को निकालना है, और लंब कितना है आपके सामने 12, कितना है लंब 12 का स्क्वायर, 13 का होगा 169, आधार हमें पता नहीं है आधार, ठीक, और यहाँ पर लंब कितना दे रखा है, सिंपल बात है लंब जो है आपको 12 दे रखा है, 12 का होगा 144, आप क्या करेंगे 169 में से 144 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा आपका आधार, आधार का क्या, होल स्क्वायर, डन। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25 बराबर क्या, आधार का स्क्वायर, डन। अगर आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 बराबर क्या, आधार का इस, अब 25 का कितना आता है 5, तो आपके सामने जो आधार है वो कितना आ गया 5 आ गया। अब आप चित्र बना लीजिए जिस हिसाब से चित्र दे रखा है, आधार 5 आ चुका है आपके सामने,
कर्ण 13 दे रखा है और यहाँ पर जो लंब है लंब दे रखा है 12, ठीक। और आप इसको मानेंगे Q और एक है आपके सामने यहाँ पर R और एक है P, और वैल्यू बतानी है tan P माइनस cot R की। किसकी वैल्यू बतानी है? tan P माइनस cot R की। तो P, तो P के सामने वाला लंब होगा और इसका होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि 5/12। cot R, R की वैल्यू यहाँ पर है, R के सामने वाला लंब है और ये cot की वैल्यू लगानी है, तो इसमें फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब यानी कि फिर से 5/12। इससे आप इसको काटेंगे कितना आएगा आपका? 0। तो जो चौथा वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आपके सामने 0 आ चुका है, ठीक। अब पांचवा क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, जो पांचवे नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पांचवे नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, साइन ए बराबर दे रखी है 3/4। आपको वैल्यू बतानी है कोस ए की और टेन ए की। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, सिंपल आसान सा, और यहाँ पर ए बी सी। साइन में फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कितना होता है लंब बटे कर्ण। लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4। फिर फॉर्मूले से आप निकालोगे इसका क्या, आधार। तो क्या करेंगे यहाँ पर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लगाएंगे फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, किसका, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, किसका, लंब का स्क्वायर। कर्ण है यहाँ पर 4, 4 का स्क्वायर, आधार आपने निकालना है, आधार आपने निकालना है, लंब दे रखा है 3। तो ये हो गया आपका 16 बराबर कितना, आधार का स्क्वायर बराबर 9। तो 16 माइनस 9 बराबर क्या, आधार का स्क्वायर, डन, आधार का स्क्वायर। अब करेंगे 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7। 7 बराबर क्या आ गया आपका, आधार का स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, रूट बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, आधार। तो जो आधार आपने निकाल लिया वो आया 7। और वैल्यू किस किस की बतानी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कोस ए की और टेन ए की। किसकी वैल्यू बतानी है हमें क्वेश्चन में, कोस ए और टेन ए। तो अगर कोस ए की वैल्यू की बात करी जाए तो कोस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार निकाला है रूट 7, कर्ण है आपका 4। अगर टेन ए की बात करें तो टेन में फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है आपका 3 और आधार आ गया आपका और रूट 7। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर पाँचवीं की भी सारी की सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 कराया जाए कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर किस तरीके से निकालोगे, जो आपको दे रखा है कोट 15 कोट ए बराबर 8, डन। आपको वैल्यू बतानी है साइन ए की और सेक ए की। तो सबसे पहले इससे एक छोटी सी चीज़ें करेंगे कि आप लिखेंगे कोट ए बराबर 8/15। अब कोट ए की वैल्यू 8/15 आ गई, क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, उसके नाम लिखेंगे ए बी सी। कोट में होता है आपका आधार बटे लंब, ये 8 और ये कितना, 15। अब आपको निकालना पड़ेगा कर्ण, तो कर्ण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा। तो सूत्र क्या लगाएंगे आप, फिर से वही, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है और इसको कहते हैं हम क्या, पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पर कर्ण आपको पता नहीं है कितना है, आधार पता है 8 है, लंब पता है 15 है, 8 का वर्ग होता है कितना, 64, 15 का वर्ग होता है कितना, 225, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 2 289। कर्ण का वर्ग कितने के बराबर आ गया, 289। 289 के ऊपर अंडररूट चढ़ जाएगा जब वर्ग घटाओगे तो इसका, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 289 किसका अंडररूट होता है यहाँ पर, 17 का, कितने का, 17 का। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 17। अब वैल्यू बतानी है साइन ए की और किसकी, साइन ए की और सेक ए की। किसकी वैल्यू बतानी है, साइन ए की और सेक ए की। तो यहाँ पर साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 15, कर्ण हो गया 17। फिर बतानी है आपने वैल्यू सेक ए की, सेक में होता है कर्ण बटे आधार, तो हमारे पास कर्ण है 17 और आधार है 8, कर्ण है 17, आधार हमारे पास 8। तो दोनों वैल्यू हमारे सामने निकल के आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अगले क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा।